नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ जगदीश कुमार। कोरोना वायरस जिसको लेकर आज पूरी देश दुनिया सतर्क है क्योंकि इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, बचाव ही इसका एकमात्र इलाज अभी सबके सामने आया है। इसको लेकर यूपी सरकार, योगी सरकार ने भी कई सारे बड़े कदम उठाए हैं। आज हम आपको उसके कुछ बड़े कदमों से अवगत कराते हैं। हमारे मजदूर भाइयों के लिए है जिसकी जानकारी योगी सरकार ने ट्वीट के सहारे देते हुए कहा है कि हमारे मजदूर भाई बहन घर पर रहें, अपना ज़्यादा समय बाहर ना बिताएं। घर पर रहने पर उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा जिसके सहारे वे अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। सबसे बड़ा फैसला उनके लिए है जिनसे कोरोना वायरस को सबसे ज़्यादा खतरा है और वो हैं बड़े बुजुर्ग। योगी सरकार ने एक फैसला लिया है जिसके तहत 31 मार्च तक सरकारी कार्यालयों को बंद कर दिया गया है और कर्मचारियों को घर से बैठकर काम करने का निर्देश दिया गया है ताकि वो अपना काम भी करते रहे और उनको इन वायरस से कोई खतरा भी ना हो। जहां एक तरफ योगी सरकार इतने बड़े बड़े कदम उठा रही है, वहीं दूसरी तरफ यूपी पुलिस ने एक बड़े खुलासा किया है जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से एक अवैध सैनिटाइजर फैक्ट्री चल रही थी। वो सैनिटाइजर जो इस समय हमारे लिए सबसे बड़ा सहारा साबित हो रहा है, उसी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। ड्रग इंस्पेक्टर ब्रिजेश कुमार के मुताबिक निषादगंज में छापेमारी की गई। यहां एक घर के अंदर टीन शेड के नीचे सैनिटाइजर की मेसर्स महालक्ष्मी केमिकल फैक्ट्री चल रही थी। इसका कोई पंजीकरण नहीं हुआ था। करीब 2 लाख का माल बरामद हुआ है इस कंपनी से, जिसकी वजह से लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था। फिलहाल कोरोना वायरस का अभी तक कोई इलाज नहीं है, जिसकी वजह से आपका बचाव ही आपका सबसे बड़ा इलाज है। सैनिटाइजर अगर आप खरीद रहे हैं तो उसकी पूरी तरीके से जांच कर लें ताकि आप स्वच्छ रह सके, सुरक्षित रह सके और इस बड़ी बीमारी से बच सके। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।